बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल वासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी GS 150 बाइक है। तो इसका ये फ्यूल काक जो है ये काम नहीं कर रहा। फ्यूल का काम क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस वक्त इसका पेट्रोल जो है ये बंद है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इसका पेट्रोल बंद भी किया हुआ है तो ये इसका पेट्रोल जो है वो निकल रहा है। वैसे ये ऊपर इसका रिजर्व होता है और नीचे इसका ऑन होता है, लेकिन इस फ्यूल का की ये प्रॉब्लम है कि ये फ्यूल काक जो है पेट्रोल को रोक नहीं रहा। तो ये फ्यूल काक जो है इस वक्त ख़राब हो चुका हुआ है, तो इसकी जगह मैं ये नया फ्यूल काक इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। तो ये वाला फ्यूल काक जो है मार्केट से तकरीबन आपको ये 700-800 रुपए की रेंज में मिल जाता है और बड़ा ही बेहतरीन चलता है। तो इस फ्यूल काक को चेंज करने के लिए हम इसके ये टैंकी को खोलेंगे और इस फ्यूल काक को खोल के चेक करेंगे कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं, तो फिर हम इसमें नया फ्यूल काक इंस्टॉल करेंगे। तो जी दोस्तों, अब ये टैंकी हमने खोल ली है, तो अब 10 नंबर की टी की मदद से मैं इसके ये पेज खोलूँगा और उसके फ्यूल काक को हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसके फ्यूल काक को चेंज करना, पर थोड़ा सा जो है ना इसको समझदारी से इसको खोलना पड़ता है। टैंकी में आप पहले देख लें कि आपकी टैंकी फुल ना हो सबसे पहले इस काम के लिए, क्योंकि ये हमने टैंकी के ऊपर लगे हुए हमने इसका ये फ्यूल काक चेंज करना है। तो अब ये फ्यूल काक जो है हमारा खुल चुका हुआ है। तो दोस्तों, इसके पाइप वगैरह तो लगे हुए हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है इसके इस जगह से ही इसकी प्रॉब्लम है। तो पहले ही ये ऑलरेडी लोकल फ्यूल काक है तो इनकी इतनी ही लाइफ होती है, तो ये फ्यूल काक ने अंदर से काम करना छोड़ दिया हुआ है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब इसकी जगह हम नया फ्यूल काक लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये नया फ्यूल काक है, ये इससे बेहतर फ्यूल काक है और इससे बेहतर वर्किंग ये करता है। तो जी दोस्तों, ये नया फ्यूल काक आप इसका ये देख सकते हैं, ये जेन्युइन की हूबहू कॉपी है और ये अच्छी कंपनी का बना हुआ है। ये वाला बिल्कुल ही लोकल था तो इसीलिए ये इसके अंदर से काम करना छोड़ गया हुआ है, लेकिन ये जो अब हम इसमें नया फ्यूल काक एडजस्ट करेंगे ये बड़ा ही बेहतरीन है। तो इसको फिट करने का भी आसान सा तरीका होता है। तो जी दोस्तों, इसको इसी तरीके से जो जिस तरीके से हमने ये फ्यूल काक खोला हुआ है उसी तरीके से हम इसको फिट कर देंगे इस फ्यूल काक को। इसके कोशिश करेंगे ये दोनों चूड़ियों को बराबर में मिला लें पहले, उसके बाद इसको जो है बराबर में ही टाइट किया जाए। अगर आप एक साइड का पेच टाइट करते हैं तो पेच टाइट करते हुए टूट जाता है। तो जी दोस्तों, अब ये फ्यूल काक अब हमारे टाइट हो गया है, तो अब मैं आपको इसको टैंकी को फिट करके आपको चेक करवाता हूँ कि पहले इसमें क्या प्रॉब्लम थी और अब ये पहले से बेहतर हो गया कि नहीं। तो ये फ्यूल काक की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं इधर ये काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। टी से टाइट करने के बाद आप चाबी की मदद से इसको टाइट कर लें, तो कोशिश करेंगे इसको टाइट आपने सिर्फ नॉर्मल ही करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। बाजू का ये पेच टैंकी में टूट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इसको टाइट करने के बाद हम आप टैंकी को फिट करेंगे और इसकी मैं आपको लीकेज चेक करवाऊंगा। तो जी दोस्तों, ये अब आप देख सकते हैं कि ये अब हमने नया फ्यूल काक इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया हुआ। तो पहले ये गाड़ी ऑफ के ऊपर भी इसका पेट्रोल आ रहा था, तो अब इसका पेट्रोल जो बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है। अब मैं ये रिजर्व पे लगाऊंगा तो इसका ये पेट्रोल आएगा, ये देखें दोस्तों, और ये ऑन पे भी इसका पेट्रोल आ रहा है। तो पेट्रोल थोड़ा सा कम होने की वजह से ऑन पे कम आ रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है थी हमारी कि हमारा जो है ये फ्यूल काक जो है पहले काम नहीं कर रहा था, अब वो बिल्कुल ओके हो चुका है। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपको दिखाया है कि मैंने कि सुजुकी GS 150 का फ्यूल काक किस तरीके से चेंज किया जाता है, तो एक बात दोस्तों अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर करता चलूँ। तो ये जो फ्यूल काक अब हमने चेंज किया है, तो मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि इसके रिजर्व में कितना पेट्रोल होता है और इसके ऑन में कितना पेट्रोल होता है। तो सुजुकी GS 150 की जो टैंक है इसके रिजर्व में, जब आपकी बाइक रिजर्व पे लग जाती है तो इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल होता है। ये आपको मैं एक छोटी सी डायरेक्शन बताता हूँ, ये इसका पुराना फ्यूल काक है। तो जब कह लेंगे हमारा पेट्रोल इस जगह तक होगा तो ये हमारे पेट्रोल कह लेंगे रिजर्व हमारा काम करेगा, तकरीबन इस ये आपके एक टैंकी में इतना तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल बन जाता है। तो अगर इससे ऊपर आपका पेट्रोल होता है इस लाइन से ऊपर, अगर आप टैंक फुल करवाते हैं तो आपका ऑन पे काम करेगा। तो इस सुजुकी GS 150 के रिजर्व में जो है तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल होता है।
तो एक और चीज़ इस बाइक की जो मुझे सबसे बुरी लगती है कि अगर आपकी बाइक में पेट्रोल कहीं पर ख़त्म हो गया है तो ये बाइक आपकी उसी जगह पर ही रुक जाती है। जी सिटी 70 या होंडा 125 की तरह ये बाइक आप चौक देके काफ़ी दूर तक नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए कोशिश करें कि इसके टैंक में आप पेट्रोल आदमी डलवा के रखें, क्योंकि इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो इस बाइक को जो है खींचना बहुत ही मुश्किल है, और क्योंकि इस बाइक का वज़न बाकी बाइकों की नस्बत ज़्यादा वज़न है। तो एक चीज़ और अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर करता चलूँ, मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सुजुकी GS 150 की चौक कहाँ पर होती है, तो जो दोस्तों ये इसकी चौक, ये कारपेंटर के देख सकते हैं आप नीचे, ये इसकी चौक है, तो आप इसकी चौक इस जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने अपने दोस्तों के साथ 2-3 चीज़ें शेयर की हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।